हेलो दोस्तों, गेट्स स्पेशल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हफमैन कोडिंग के बारे में, और इस वीडियो में हम हफमैन कोडिंग से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, इवन आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हफमैन एंड कोडिंग से। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज अ ग्रीडी टेक्निक, और ये हम यूज करते हैं डेटा को एनकोड करने के लिए, डेटा को कंप्रेस करने के लिए। अब एक्चुअल में डेटा एनकोड या डेटा कंप्रेशन होता क्या है, कैसे हम करते हैं, हफमैन कोडिंग हम क्यों यूज करते हैं, इन सारे पॉइंट्स को मैं एक सिंपल से एग्जांपल से एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो यहां पे मेरे पास एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, एक मैसेज है एम जो कि 100 करेक्टर्स से मिलकर बन रहा है। अब ये 100 करेक्टर्स में हमारे पास कौन कौन सी अल्फाबेट है, ए बी सी डी ई एफ, और हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी है कि ए 50 है, बी 10, सी 30, डी 5, ई 3, एफ 2, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी है। तो आप टोटल करोगे कितने करेक्टर बन गए, 100। अब इसको मेरे को क्या करना है, एनकोड करना है। एनकोड करने का मतलब है मुझे इसको डिजिटाइज करना है, 0 और 1 की फॉर्म में लिखना है। ऑब्वियसली हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो डिजिटल फॉर्म में ही काम करता है। इवन अगर मेरे को कम्युनिकेट भी करना है, मतलब इसको अगर मेरे को किसी को भेजना भी है, ऑब्वियसली तब भी मैं इसको क्या करूंगा, एनकोडिंग में कन्वर्ट करके ही भेजूंगा। तो यहां पे सबसे बेसिक जो हमारी एनकोडिंग टेक्निक है वो है ASCII एनकोडिंग। अब ASCII एनकोडिंग में हमारे पास जो रेंज होती है वो है 0 to 127, मतलब टोटल हमारे पास 128 करेक्टर्स है। और अगर मेरे को 0 से 127 नंबर्स को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो हम कितनी बिट्स को यूज करते हैं, 7 बिट्स को। कैसे पता लगा, मैक्सिमम रेंज में, इस पूरी रेंज में मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, 127, और 127 क्या होता है, 1 1 1 1 1 1 1, मतलब 7 times 1। तो 0 क्या होगा, 7 times 0। तो यहां पे अगर मेरे को A को रिप्रेजेंट करना है तो A को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरी कितनी बिट लगेंगी, 7। B के लिए, C के लिए, D के लिए, सारों के लिए कितनी बिट्स लगेंगी, 7। यानी एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक करेक्टर को, ए या बी को, किसी को भी रिप्रेजेंट करने के लिए अगर 7 बिट लग रही है तो 100 करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 700 बिट्स मेरी टोटल लगेगी। तो यानी 700 बिट्स आप टोटल लगाओ, इस पूरे मैसेज को आप डिजिटल फॉर्म में एनकोड कर दो। सेकंड टेक्निक अगर हम बात करें, अभी हम हफमैन कोडिंग की बात नहीं कर रहे, इस एग्जांपल से आपको क्लियर होगा हफमैन कोडिंग का बेनिफिट क्या है। लेट्स से कि हम, अगर हमें पता है कि मेरे मैसेज में 6 ही करेक्टर है, ए बी सी डी ई एफ, 6 करेक्टर का मतलब 6 टाइप ऑफ करेक्टर्स है। तो यहां पे मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ए को 000, बी को 001, सी को 010, डी को 011, ई को 100, F को 101। क्योंकि अगर मेरे को मैसेज में पता ही है कि 6 टाइप ऑफ अल्फाबेट है तो मैं इनको 3-3 बिट में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, क्योंकि मेरा यहां पे मोटिव क्या है, हरेक अल्फाबेट को यूनिकली आइडेंटिफाई करो। तो देखो यूनिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया, तो हर एक को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट, हरेक को रिप्रेजेंट करने के लिए 3-3 बिट मेरे को लगी। यानी अगर एक को, एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट लग रही है तो 100 करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 300 बिट्स यहां पे कंज्यूम होंगी। तो यानी 300 बिट्स कंज्यूम होंगी तब जाके आपका मैसेज एनकोड हो जाएगा। तो यानी इसके कंपैरेटिवली हमने कम कर दिया। लेकिन अब आती है हफमैन एनकोडिंग। हफमैन कोडिंग कहती है कि ये भी बिट्स जो है वो ज्यादा है, आपको इनको मिनिमम वे से रिप्रेजेंट करना है। तो हफमैन एनकोडिंग कैसे काम करती है, इन पूरे जितने भी आपको फ्रीक्वेंसी दी है उस पूरी फ्रीक्वेंसी में 2 सबसे मिनिमम एलिमेंट्स को आप उठा लो। तो 2 सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन से, सबसे पहले हमारे पास F, तो हमने F को लिख लिया, कितने F है, 2F है, और यहां पे E कितने है, E है हमारे पास 3। सबसे 2 मिनिमम को उठा लो, तो यहां पे 50, 10, 13 सारों को हमने देखा, तो मिनिमम 2 उठा लिए, F एंड E, तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी भी हमने यहां पे लिख दी। अब मेरे को करना क्या है, अब मैं इन दोनों को अगर कंबाइन करूं, मतलब मेरे टोटल करेक्टर्स कितने आ जाएंगे, ऑब्वियसली 5 आ जाएंगे। यहां भी आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है कि जो स्मॉलर एलिमेंट है उसको लेफ्ट साइड पे रखो, लार्जर या बिगर एलिमेंट को राइट साइड पे रखो। अब देखो करता कैसे है काम, 2 सबसे मिनिमम एलिमेंट को उठाओ, उठा लिया 2 और 3, और इसको कंबाइन किया, आंसर क्या आया, 5। अब आप इस 5 को इस लिस्ट में, मतलब इन सारे करेक्टर्स में दोबारा से ऐड कर दो और फिर 2 मिनिमम उठाओ। अब देखो ये दोनों तो एक तरह से कैंसिल हो गए। अब देखो बाकी बचे हुए इन चारों में से, इस 5 और 5 में से ऑब्वियसली सबसे मिनिमम कौन है, ये दोनों 5, एक 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है, डी भी कितने है, 5, तो अब यहां पर हम डी लिख लेते हैं।
अगर दोनों बराबर है तब भी आप लेफ्ट साइड पे लिख सकते हो, राइट में भी लिख सकते हो, बट एक ही अगर पैटर्न फॉलो करोगे तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो यहां पे डी की वैल्यू हमने रिप्रेजेंट कर दी मतलब 5। इन दोनों को अगर मैं मर्ज करता हूं, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो टोटल आंसर मेरा, टोटल करेक्टर्स कितने हो गए, 10 करेक्टर्स हो गए। अब आप क्या करो, इस 10 को भी क्या कर दो, रिप्रेजेंट कर दो। तो ये 5 भी खत्म, ये 5 भी खत्म, तो आउट ऑफ 50 10 30 10 मिनिमम कौन से दो है, 10 जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, दूसरा 10 कौन सा, बी। तो बी भी इक्वल है तो मैं बी को यहां पे लिख देता हूं 10। तो टोटल देखो कितने हो गए, टोटल हो गए यहां पे 20। तो इस 20 को भी हम क्या कर रहे हैं, इस 20 को भी दोबारा यहां पे लिख देते हैं। अगर ये 20 हम दोबारा लिखते हैं तो देखो आउट ऑफ 50 30 एंड 20 दो मिनिमम कौन से है, 20 एंड 30। 20 इज ऑलरेडी रिटन, 30 लिख दो यहां पे। 30 देखो एलिमेंट जो है वो 20 से बड़ा है, तो राइट साइड पे हमने क्या लिख दिया, सी दैट इज 30। तो इन दोनों को हमने क्या किया, मर्ज कर दिया, तो टोटल क्या हो गए मेरे 50 एलिमेंट्स हो गए। अब नेक्स्ट हमने 50 यहां पे डाला, तो देखो सारे एलिमेंट ऑलरेडी कंज्यूम हो गए, यहां पे कौन से बचे हैं, दो 50 और 50 यहां पे बचे हैं, 50 ऑलरेडी लिखा हुआ है, ए हम यहां पे लिख देते हैं। तो ए हमने यहां पे लिख दिया, कितने हैं ए, 50। तो इन दोनों को फाइनली हमने जब मर्ज किया, टोटल करेक्टर्स मेरे कितने हो गए, 100 करेक्टर्स यहां पे हो गए। टोटल हमारे पास कितने थे, 100 ही थे, तो देखो टोटल हमारे पास 100 आ गए। ये जो है हफमैन ट्री जो, या हफमैन ग्राफ इसको आप बोल सकते हो, ये हमारे पास बन गया। अब इस हफमैन ट्री को हमने करना क्या है, यहीं से मेरा आंसर आएगा। आप करो क्या, लेफ्ट वाली साइड को, मतलब जो लेफ्ट ट्री है उसको आप 0 नंबर दे दो, राइट वाले को 1 नंबर दे दो। जो लेफ्ट में एज है उसको हमने 0 नंबर दे दिया, राइट वाले को 1, 0 1, लेफ्ट वाले को 0, राइट वाले को 1। हर एक नोड के कोरिस्पोंडिंग, इस नोड की बात करें तो लेफ्ट में 0, राइट में 1, इस नोड की बात करें तो लेफ्ट में 0, राइट में 1। आप उल्टा भी कर सकते हो 1 0, दैट इज अप टू यू, लेकिन आप एक ही पैटर्न फॉलो करो तो आपकी, आप जो भी क्वेश्चन आए चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, इवन आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में भी, आप इजीली उसको सॉल्व कर सको। तो जैसे ही हमने लेफ्ट को 0, राइट को 1 इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, सबसे पहली चीज आपके पास क्या आई, ए को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितनी बिट लगेंगी और कौन सा यहां पे कोडिंग यूज होगा। तो देखो स्टार्ट करना है रूट नोड से, रूट कौन सा है, एरा 100, 100 से आपको ए तक जाना है, कौन सी कितनी बिट यूज होगी, सिर्फ ए की बिट यूज होगी, दैट इज 0। वैल्यू क्या उस बिट की, 0। यहां से 100 से ए पे पहुंचो, इस पूरी जो एज है या इस पूरे डिस्टेंस का नेम क्या है, 0। ऐसे ही लेट से बी, बी तक पहुंचना आपको, बी रहा, ये रहा, बी तक पहुंचने के लिए यहां पे रूट नोड से 1 0 0 डिस्टेंस देखो या पाथ देखो कौन सा, पाथ का नेम क्या है, 1 0 0, तो इसको यहां पे लिख दो। सी, सी तक पहुंचना आपने, सी का ये रहा, सी तक पहुंचने के लिए 1 1, सिंपल यहां पे 1 1 जो है वो लिख दो। डी, नेक्स्ट डी, डी ये रहा, तो रूट से यहां तक कैसे पहुंचोगे, पाथ कौन सा बनेगा, 1 0 1 0 1 0 1 0। ई, ई ये रहा, ई तक पहुंचने के लिए 1 0 1 1 1, तो आप इसको लिख दो। F तक पहुंचने के लिए 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0। तो यहां पे आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि A को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा कोड यूज होगा, B C D E F को करने के लिए कौन सा कोड यूज होगा। और देखो यहां पे सारे कोड जो है वो अलग अलग है, और यहां पे दूसरा फंडा आपको क्या पता लग गया, A को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट लगी, एक बिट लगी, उस बिट की वैल्यू कितनी है, 0, लेकिन कितनी बिट लगी, 1, तो यानी 50 into 1। नेक्स्ट बी कितने आपके पास, बी है 10, और 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब बी को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट लगी, टोटल टोटल बिट्स लगी 3, यानी 30। नेक्स्ट हमारे पास आता है सी, सी कितने हमारे पास, सी है 30, तो 30 into सी को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट लगी, 2, तो यानी 60। नेक्स्ट डी, डी कितने हमारे पास, 5 into 4। इसको डेसिमल में कन्वर्ट मत कर देना गलती से, ये तो सिर्फ एक वैल्यू बता रहा है कि डी को रिप्रेजेंट करने के लिए 1010 कोड यूज कर सकते हो, लेकिन टोटल बिट्स कितनी है, 4, तो 5 into 4 20। ई देखो कितने हैं, ई हमारे पास 3 3 into ई को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 2 3 4 5 बिट्स हमारे पास लगेंगी, तो 15। और एफ कितने हैं, 2 2 into यहां पे कितनी बिट्स लगी, 1 2 3 4 5, तो टोटल हो गए 10। तो इसको आप टोटल करोगे 80 140 160 70 185, यानी आपकी 185 बिट्स टोटल लगेंगी इस पूरे मैसेज को हफमैन एनकोडिंग में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखो सबसे पहले मेथड में 700 बिट थी,
300 बिट थी, 185 बिट्स यहां पे लगी। और लॉजिक यहां पे क्या है, द नंबर ऑफ बिट्स मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसको आपने सबसे ऊपर लिखा, ताकि मैं कम बिट्स में, कम नंबर ऑफ बिट्स में उसको रिप्रेजेंट कर सकूं। और जिसके नंबर, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, देखो ई और एफ सबसे कम थे, दो और तीन, उसको हमने ज्यादा बिट से रिप्रेजेंट किया, ताकि ओवरऑल आंसर जो है वो कंपनसेट होके हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स जो है वो कितनी हो जाएंगी, कम से कम हो जाएंगी। दूसरा पॉइंट यहां पे ये पूछ सकते हैं कि ईच करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट मेरे पास लगी, हाउ मेन, या आपको पूछ सकते हैं एवरेज बिट, एवरेज बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट ईच करेक्टर। तो देखो आपको पता है कि टोटल आपके पास बिट्स कितनी लगी, 185, और आपके पास टोटल करेक्टर्स कितने हैं, टोटल करेक्टर्स है 100 इस क्वेश्चन में, तो यानी आंसर आपका क्या आया, 1.85 बिट्स पर करेक्टर। ये पॉइंट भी आपसे पूछ सकते हैं, जैसे यहां पे देखो सिंपल सा मतलब है, टोटल बिट्स आपकी लगी थी 700, करेक्टर्स कितने थे 100, तो यानी 7 बिट्स पर करेक्टर यहां पे लग रहे थे, तो वही हमने यहां पे लिया था, क्योंकि एसटाई कोड में हमारे पास 7 बिट लगती हैं, लेकिन यहां पे हमारे 7 या इवन यहां पे कितना आंसर आएगा 3, बिकॉज 300 डिवाइड बाय 100 करोगे तो 3 बिट पर करेक्टर यहां पे लगेगी, लेकिन यहां पे देखो सिर्फ 1.85 बिट्स पर कैरेक्टर लगी, विच इज द मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द होल मैसेज। तो यहां पे बेनिफिट क्या मिला, अब अगर आप डेटा को कंप्रेस कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप कम नंबर ऑफ बिट्स में डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो स्टोरेज आपका एफिशिएंट वे से यूटिलाइज होगा। दूसरा पॉइंट, अगर आप डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हो, डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए हमें पता है कि ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है, मैसेज डिवाइड बाय बैंडविड्थ, मैसेज का साइज डिवाइड बाय बैंडविड्थ। अगर आप ये पूरा मैसेज करोगे 700 बिट, 700 बिट्स डिवाइड बाय जो भी बैंडविड्थ मेरी आएगी, लेकिन इस केस में क्या आएगी, 185 डिवाइड बाय बैंडविड्थ। तो देखो ट्रांसमिशन टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मैसेज साइज, यानी अगर आपका मैसेज जो है वो बड़ा होगा, मतलब साइज बड़ा होगा, तो ट्रांसमिशन टाइम भी आपका ज्यादा लगेगा, अगर आपका मैसेज कम होगा तो ट्रांसमिशन टाइम कम होगा। तो ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि कम ट्रांसमिशन टाइम हमारा लगे, तो यानी आप हफमैन एनकोडिंग यूज करो और पूरे मैसेज को कोड कर दो यूजिंग द हफमैन एनकोडिंग। थैंक यू।